वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल एक इज मैथ में आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 13 यानी वेरिएशन को, जिसे हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। ठीक है, वेरिएशन का ऐसे मतलब होता है चेंज होना, ठीक है, यानी बदलना या तब्दील होना। ठीक है, तो आइए इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, बुनियादी बातों को, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हम जानते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल जिसे हिंदी में कहते हैं चर राशि। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब होता है वो चीज़ जिसका वैल्यू जो है वो बदलता रहता है, चेंज होता ही रहता है, या उसका मान जो है वो परिवर्तित होता ही रहता है। ठीक है, इट्स वैल्यू चेंजेस, इसका वैल्यू जो है ये बदलता रहता है, यानी इसका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नो फिक्स्ड, ठीक है, नो फिक्स्ड वैल्यू। तो हम लोग ये क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं वेरिएबल या चर राशि के बारे में। हम लोग आमतौर पर जो वेरिएबल यूज़ करते हैं हम लोग एलजेब्रा में, वो क्या होता है, जो हम लोग ए से लेके जेड तक यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह हम लोग जो मैथ बनाने में यूज़ करते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी वेरिएबल होता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो वैल्यू या मान है वो हमें परफेक्ट पता नहीं होता कि एक्स मतलब क्या, बाद में फिर उसका वैल्यू मालूम होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, वेरिएबल है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी स्थिरांक या अचर राशि, यानी कांस्टेंट ये होता है जिसका जो वैल्यू या मान होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, इसका वैल्यू या मान चेंज नहीं होता है। मतलब ये कि इसका वैल्यू जो है वो फिक्स होता है, वो एक फिक्स होता है, जो भी होगा वो एकदम फिक्स होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे कि कोई भी नंबर, कोई सा भी हम नंबर या संख्या ले वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लेते हैं, तो 2 जो है ये इसका वैल्यू है, 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, 2 को हम 3 तो नहीं बोल सकते, 1 नहीं बोल सकते, 2 है तो ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसी तरह कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले ले, -5 -4 कोई सा भी ले सकते हैं, इस तरह बटा ले सकते हैं, ठीक है, या भिन्न ले सकते हैं, या फिर जैसे पाई होता है, पाई का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, हमें पता है 22/7 होता है, है ना, तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट। तो ये दोनों हमें काम लगेगा बार बार इस वेरिएशन के चैप्टर में, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएशन में। तो वेरिएशन जो होता है ये दो टाइप, इसका जो मेन बुक में दिया हुआ है वो दो टाइप का वेरिएशन है, 2 types of variation, दो तरह का वेरिएशन है। सबसे पहला है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन जिसे हिंदी में कहते हैं हम सरल परिवर्तन। क्या कहते हैं, सरल परिवर्तन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, इफ़ टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मैंने अभी बताया, वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट एक्स बटा वाई इक्वल टू के, जहाँ पर के इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। कहा जा रहा है अगर दो वेरिएबल है या दो चर राशि है एक्स और वाई, वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनका जो बटा है एक्स बटा वाई वो क्या होगा, वो बराबर के होगा, जहाँ पर के जो है एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। नॉन जीरो का मतलब ये है कि वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो छोड़कर कोई सा भी, ठीक है, वो एक कांस्टेंट होगा, यानी अचर राशि होगा या स्थिरांक होगा, उनका बटा, इन दोनों वेरिएबल या दोनों चर राशि का जो बटा होगा वो एक कांस्टेंट होगा, एक स्थिरांक होगा या अचर राशि होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा। अगर इस तरह से आता है दो वेरिएबल का बटा बराबर एक कांस्टेंट आता है, देन इट इज़ कॉल्ड दैट एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो कहा जाता है कि एक्स और वाई ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल परिवर्तन में है, एंड द नॉन जीरो कांस्टेंट के इज कॉल्ड द वेरिएशन कांस्टेंट। और ये जो नॉन जीरो कांस्टेंट है यानी ये जो के है, इस के को कहा जाता है वेरिएशन कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएशन कांस्टेंट यानी परिवर्तन स्थिरांक, ठीक है, हिंदी में। तो ये इसका कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, तो आगे है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, अगर मान लीजिए कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दो चर राशि है और वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो
तो मैथमेटिक्स में हम उसको किस तरह से लिखेंगे, इट इज़ रिटिन एज, इसको लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से, एक्स लिखा जाएगा, फिर ये वेरिएशन का निशान या चिन्ह है, फिर वाई लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है इस तरह से, एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाई, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल परिवर्तन है, इसलिए इस तरह से पढ़ा जाएगा, एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाई, ठीक है। और इसी चीज़ को जब हम तोड़ेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, किस तरह से, और देकर एक्स लिखेंगे, ये जो वेरिएशन का जो निशान या चिन्ह है इसको जब हटाएंगे हम, तो इसको हटाने से यहाँ पर एक इक्वल टू आएगा, और यहाँ पर जो है वो जो वेरिएबल कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट जो हमने के माना था वो कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर वाई लिखेंगे, ठीक है। यानी इसको हटाने से क्या होगा, एक इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि ये क्या है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद और इसको अगर हम इस तरह लिखेंगे, एक्स और वाई यहाँ पे इंटू है के साथ, इसको इक्वल टू किधर लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में, तो बटा हो जाएगा, एक्स बटा वाई इक्वल टू के होगा, ठीक है। जो हमारा जो असल डेफिनेशन था, असल जो इसका तारीफ था, वो एक्स बटा वाई इक्वल टू के, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये जो तीन लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में अगर इस तरह होता है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू के वाई, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स बटा वाई इक्वल टू के। और इसको अगर उल्टा तरफ से अगर हम चलेंगे, तो अगर एक्स बटा वाई इक्वल टू के दिया हुआ है, तो हम यहाँ से फिर ये लाइन लिख सकते हैं, इसके ऊपर ये लाइन लिखेंगे, और फिर यहाँ से हम ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इस लाइन से ये लाइन, और फिर इस लाइन से ये लाइन, ठीक है। ये हमें मैथ बनाने में बहुत ही काम आएगा, ओके। तो ये था डायरेक्ट वेरिएशन का जो डेफिनेशन बुक में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बुक में, ये 186 नंबर पेज इंग्लिश बुक में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में है, ओके। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट था। अब डायरेक्ट वेरिएशन का जो है हम एक इस तरह से समझाते हैं कि आसान लफ्ज़ों में इसका क्या मतलब होता है। आसान लफ्ज़ों में ये मतलब होता है कि दो वेरिएबल या चर राशि है, अगर वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेरिएबल इस तरह से आपस में जुड़े हुए है कि वो दोनों जो चेंज होंगे वो दोनों एक ही सेंस में चेंज होंगे। मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, अगर एक वेरिएबल कम होता है तो दूसरा वेरिएबल भी उसका भी वैल्यू या मान कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर x का वैल्यू बढ़ता है तो फिर y का वैल्यू भी बढ़ेगा, और x का वैल्यू अगर कम होता है तो फिर y का वैल्यू भी कम होगा, तब जाकर हम कहते हैं कि वो दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो आइए स्टूडेंट, हम डायरेक्ट वेरिएशन जो है उसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में जाकर हम आलू खरीदते, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ पोटैटो यानी आलू के मिकदार या उसका परिमाण, ठीक है, और उसका प्राइस, उसका रेट क्या है। तो अगर क्या है कि अगर हम आलू अगर हम कम खरीदते हैं, यानी मान लीजिए 1 किलो आलू अगर हम खरीदते हैं, तो उसका प्राइस क्या होगा, जो भी होगा एक प्राइस है उसका, मान लीजिए 1 किलो अगर पोटैटो अगर हम खरीदते हैं, इसका प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10 है, ₹10 में 1 किलो पोटैटो मिलता है, ठीक है, आलू मिलता है। तो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम पोटैटो या आलू ख़रीदते हैं, 1 किलो से बढ़ाकर अगर हम 5 किलो ले लेते हैं, तो कितना प्राइस होगा, 1 किलो में ₹10 है तो 5 किलो में कितना लगेगा, ₹50 लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कम लेते हैं, अगर हम आधा किलो लेते हैं पोटैटो, तो फिर इसका क्या प्राइस पड़ेगा, इसका प्राइस 1 किलो का ₹10 तो आधा किलो का ₹5 पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पोटैटो का अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो फिर उसका प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और अगर पोटैटो का क्वांटिटी या उसका मान जो अगर हम कम करते हैं तो फिर उसका प्राइस भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ पोटैटो इसमें और इसके प्राइस में, इन दोनों में जो है डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो ये होता है एक एग्ज़ाम्पल, रियल एग्ज़ाम्पल। तो क्वांटिटी ऑफ पोटैटो का मान लीजिए अगर एक्स मान लेते हैं, और प्राइस को अगर आप वाई मान लेते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि एक्स वेरिएस वाई, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का एग्ज़ाम्पल है, ओके। इसी तरह से हम बहुत सारा दूसरा भी चीज़ का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
एक गाड़ी जा रही है एक स्पीड के साथ, तो वो कम टाइम में कम दूरी तक जाएगी और ज़्यादा टाइम में ज़्यादा दूरी तक जाएगी, ठीक है ना। अगर उसका स्पीड अगर फिक्स रखते हैं अगर हम, ठीक है, तो मान लीजिए 1 घंटा में अगर वो 40 किलोमीटर जाती है, तो फिर 2 घंटा में वो 80 किलोमीटर जाएगी। यानी टाइम अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फिर उसका जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो भी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वो एक्स मान सकते हैं और जो उसका डिस्टेंस है उसको हम वाई मान सकते हैं। और उनमें भी तब कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। अगर कम टाइम के लिए जाएगी गाड़ी तो कम डिस्टेंस कम दूरी जाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद जो हम आते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल या दो चर राशि दिया हुआ है, एक्स और वाई, और हमें दिखाना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हम क्या करेंगे। तो उस वक्त हमें ये करना है कि हमें उनका जो बटा है, एक्स और वाई का जो बटा है, इसको बराबर हमें एक कॉन्स्टेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक अचर राशि या स्थिरांक के बराबर दिखा देना पड़ेगा। अगर हम दिखाने में ये कामयाब हो गए तो हम कह सकेंगे कि हाँ, वो दोनों जो है डायरेक्ट वेरिएशन में है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आते हैं हम जो दूसरा टाइप का वेरिएशन है, वो दूसरा टाइप का जो वेरिएशन है उसको हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन या विपरीत परिवर्तन, हिंदी में विपरीत परिवर्तन। तो इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, देखिए, इफ़ टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट एक्स वाई इक्वल टू के। के क्या चीज़ है, के इज़ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, के एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, यानी जीरो को छोड़कर कोई भी दूसरा कॉन्स्टेंट या स्थिरांक हो सकता है, ठीक है। देन इट इज़ सेड दैट एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन। कहा जा रहा है दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो चर राशि है एक्स और वाई, वो आपस में इस तरह से इंटर रिलेटेड है, वो इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में कि उनका जो इनटू है या प्रोडक्ट है वो बराबर एक कांस्टेंट है। इससे पहले डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, उन दोनों का बटा, उन दोनों का भाग जो था वो कांस्टेंट था। यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन में क्या है, उन दोनों वेरिएबल या चर राशि का इनटू या प्रोडक्ट वो बराबर एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो कहा जाएगा कि एक्स और वाई जो है ये आपस में इनवर्स वेरिएशन में है, एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। और इसको किस तरह से मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, एंड रिटेन एज, और इस तरह से लिखा जाता है एक्स और फिर ये वेरिएशन का चिन्ह या निशान, और यहाँ पर जो है वाई नहीं होके बल्कि एक बटा वाई लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, एक बटा वाई इनवर्स वेरिएशन में। और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, एक्स वेरीज इनवर्सली विथ वाई, एक्स वेरीज इनवर्सली विथ वाई, ठीक है। फिर हमें पता है, इससे पहले भी मैंने अभी बताया कि इस निशान को, इस चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो क्या करना पड़ता है, एक इक्वल टू लिखना पड़ता है और एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, ठीक है, अचर राशि या स्थिरांक लिखना पड़ता है। तो इसको जब हमने हटाया तो इक्वल टू और के लिखा हमने, इनटू यहाँ पर है और एक बटा वाई, ठीक है। उसके बाद ये वाई यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू किधर जाएगा, तो एक्स के साथ इनटू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे में है, तो ये एक्स वाई इक्वल टू और के हो जाएगा, वन के साथ इंटू के हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया अल्टीमेटली, एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा के, यानी एक्स वाई इक्वल टू के, यानी जो हमने डेफिनेशन में लिखा था इनवर्स वेरिएशन का, विपरीत परिवर्तन का, वहीं वाला आ गया, ठीक है। इसमें भी जो है डायरेक्ट वेरिएशन के जैसा ही, एक्स वाई इक्वल टू अगर के है तो इससे हम ये चीज़ लिख सकते हैं इस तरह से, ये लाइन, और फिर यहाँ से फिर हम ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वेरीज वन बाई वाई, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब जो है इनवर्स वेरिएशन का जो सिंपल मीनिंग है, जिस तरह मैंने डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बताया, उसी तरह इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल है, अगर वो इनवर्स वेरिएशन में है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, अपोजिट सेंस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि एक वेरिएबल के वैल्यू या उसका मान बढ़ने से दूसरा का वैल्यू या मान वो कम होगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू बढ़ता है तो फिर वाई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और इसका उल्टा अगर हम करते हैं, अगर एक्स का वैल्यू कम होता है तो फिर वाई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसको कहा जाता है इनवर्स वेरिएशन, ठीक है।
अब जो है इनवर्स वेरिएशन, या इसका एक दूसरा नाम भी है इनडायरेक्ट वेरिएशन, तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें ये है कि कुछ लेबर है, कुछ मजदूर है जो मिलकर जो है एक घर या कोई एक काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने दिनों में करेंगे उसका हमने लिया, नंबर ऑफ लेबर, लेबर्स, ठीक है, मजदूरों की तादाद या संख्या, और डेज यानी उनको कितना दिन लग रहा है। तो मान लीजिए कि अगर 20 मजदूर है और वो एक घर को 10 दिनों में अगर वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लेबर का तादाद या लेबर के संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं, 20 मजदूर से अगर मान लीजिए हम 40 मजदूर कर देते हैं, तो फिर उनको वो घर बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, ये आप खुद सोचिए। अगर 20 आदमी है तो उनको 10 दिन लग रहा घर बनाने में, तो अगर हम लेबर बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा मजदूर है, ज़्यादा लोग है, ज़्यादा लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी घर बना देंगे, यानी उनको जो है घर बनाने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। यानी 20 आदमी को अगर 10 दिन लगता है टाइम, तो फिर 40 आदमी को इसका आधा ही दिन में वो घर पूरा कंप्लीट कर सकती है, यानी उनको सिर्फ जो है 5 दिन लगेगा घर बनाने में, ठीक है। इसी तरह अगर हम 20 लेबर से कम करके अगर हम मान लीजिए 10 लेबर कर देते हैं, तो फिर इनको तो अब 20 दिन वाले 20 मजदूर है, लेबर है, तो उनको तो 10 दिन लग रहा है, तो अगर 10 ही मजदूर अगर हो तो फिर तो इनको तो और भी ज़्यादा दिन लग जाएगा, इनको टोटल 20 दिन लगेगा घर को कंप्लीट करने में। तो कहने का मतलब ये तो आप मैथ से निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे रिलेशन की बात अगर हम करें, तो देख रहे हैं कि जब हम लेबर के तादाद या संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारा दिन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। वहीं पर अगर हम लेबर के संख्या को कम कर दे रहे, तादाद को कम कर दे रहे, तो दिन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, 10 से 20 हो जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है नंबर ऑफ लेबर और डेज में कैसा रिलेशन हो रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जा रहा है और एक के कम होने से दूसरा बढ़ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लेबर से अगर हम इसको एक्स माने और डेज को अगर हम वाई माने, तो फिर इनमें कैसा रिलेशन हो रहा है, इनवर्स रिलेशन हो रहा है, इनवर्स वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, विपरीत वेरिएशन या परिवर्तन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक वेरिएस 1/y, ठीक है। तो क्लियर। तो अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में ऐसा रहता है, दो वेरिएबल या दो चर राशि दिया हुआ है और हमसे ये पूछा जाता है कि उनका वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि उनको इन्वर्स वेरिएशन में हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे इन्वर्स वेरिएशन में दिखाने के लिए, विपरीत परिवर्तन में दिखाने के लिए, कि हमें उनका इनटू करके देखना पड़ेगा कि वो इनटू करके हर बार जो है वो एक कांस्टेंट सेम अचर राशि या स्थिरांक आ रहा है या नहीं, ठीक है। इसे एक्स वाई को इनटू करेंगे, देखेंगे कि वो एक कांस्टेंट होगा, फिर जो वैल्यू होगा उसको इनटू करके देखेंगे, वो भी सेम कांस्टेंट होगा, सेम आता रहेगा, तो फिर हम देखेंगे कि हम वहाँ से कह सकते हैं कि दोनों जो है वेरिएबल एक्स और वाई वो इनवर्स वेरिएशन में है, ओके। तो इस तरह से चेक किया जाता है। यहाँ पे एक और बात के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट आप इसको लिख के रखें कि जो हम कांस्टेंट या स्थिरांक या अचर राशि की बात की अभी हमने, कि कांस्टेंट यानी जैसे कि नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए पहला पॉइंट कि कांस्टेंट को अगर हम जोड़े या घटाए यानी सब्सट्रैक्ट करें या फिर इंटू करें या फिर उसको डिवाइड करें, तो वो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। इसे मैंने लिखा पहले, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि एक कांस्टेंट है, उसको दूसरे किसी कांस्टेंट के साथ अगर हम जोड़ेंगे, तो फिर अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू एक कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा मतलब ये नहीं समझना है यहाँ पे कि कांस्टेंट कांस्टेंट जोड़ के टू कांस्टेंट, वो मतलब नहीं है। ये समझाने का मतलब है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से जोड़ने से कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा। जैसे कि आप एक नंबर लेते हैं वो कांस्टेंट है, एक संख्या, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं वो भी एक कांस्टेंट है, उन दोनों को अगर जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर ही मिलेगा ना, एक संख्या ही मिलेगा ना, तो यानी कांस्टेंट ही मिला, वो मतलब है, ओके। जैसे कि 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ेंगे 5, ये भी एक कांस्टेंट है, ये मतलब है, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट से कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। इससे अगर मान लीजिए 5 से 3 को माइनस करेंगे, 5 और 3 कांस्टेंट है, तो 2 आएगा, वो भी एक कांस्टेंट ही है। इसी तरह कांस्टेंट कांस्टेंट को इनटू करने से भी एक कांस्टेंट ही मिलेगा, दोनों कांस्टेंट है, अगर उन कांस्टेंट से कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही मिलेगा। ये सभी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार इस तरह से हमारा मैथ में आएगा, ओके। तो
तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है इसका वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट था कि दो तरह का वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, और इनको यूज़ करके ही हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके, आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे समझा दूँगा। ओके, अब जो है हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन एक बात और कि यहाँ पे जो है इस चैप्टर में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, वो जब उसका मैथ आएगा, प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन में, तो फिर उसको मैं अलग से बताऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट अब हम आते हैं एक्सरसाइज 13 में, पेज नंबर 195 इंग्लिश बुक में। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी आर। ए और बी दो वेरिएबल या चर राशि है, उनका जो वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, उनका मान ये दिया हुआ है, या ए का वैल्यू ये सब है और बी का जो वैल्यू ये बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब कहा जा रहा है क्या, इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी। कहा जा रहा है ए और बी में अगर कोई वेरिएशन का रिलेशन है, यानी परिवर्तन का संबंध अगर है, रिलेशन अगर है, यानी इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल परिवर्तन है, या इनवर्स वेरिएशन है, विपरीत परिवर्तन है, ये हमें ढूंढ के निकालना है। लेट अस डिटरमाइन इट, उसको पता करना है, एंड राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कॉन्स्टेंट। और जो वेरिएशन कॉन्स्टेंट यानी जो के का वैल्यू है, ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक का, उसका वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ जब टेबल दिया हुआ है, तो टेबल से कैसे पता करेंगे क्या रिलेशन है, तो हम टेबल में दोनों का जो मान या वैल्यू उसको हम ठीक गौर से देखेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू देखिए पहले में 25 है, तो बी का वैल्यू 10 है, फिर ए का वैल्यू जब 30 हो जा रहा है, यानी 25 से बढ़कर 30 हो रहा है, तो फिर बी का वैल्यू भी 10 से बढ़कर 12 हो जा रहा है। ठीक है, यानी ए का वैल्यू बढ़ रहा है तो बी का वैल्यू भी बढ़ रहा है, फिर ए का वैल्यू 30 से 45 हो जा रहा है, तो बी का वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, 12 से 18 हो जा रहा है। ए का वैल्यू जब 250 हो रहा है, तो बी का वैल्यू 100 हो रहा है। यहीं से हमें एक आइडिया मिल जा रहा है कि ए का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बी का वैल्यू या मान भी ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो मैंने जैसे बताया था डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसा होता है, ठीक है, सरल परिवर्तन में, कि एक वेरिएबल जो है उसका वैल्यू, चर राशि का वैल्यू अगर बढ़ता है तो दूसरा का वैल्यू भी इस तरह बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हम वो चीज़ लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे, विद द इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ ए द वैल्यूज ऑफ बी ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी ए का वैल्यू या मान बढ़ने के साथ साथ बी का वैल्यू या मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे एक आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन होगा, सरल परिवर्तन होगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसा हमने बताया था उसका डेफिनेशन में, कि उनका बटा करके हमें इक्वल टू एक कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए और बी ये दोनों चर राशि, इनका हम बटा करेंगे, पहला वैल्यू का दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, इसी तरह बटा करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ए बटा बी करेंगे, ए बटा बी क्या होगा, 25 बटा 10 होगा, ए का वैल्यू 25 है तब, उस वक्त बी का वैल्यू 10 है, यानी 25 बटा 10 करेंगे पहली बार। तो देखिए इसको काट के कितना होगा, 5 पचे 25, 5 दूना 10, और नहीं कटेगा कितना आ गया, 5 बटा 2 आ गया। फिर इसी तरह दूसरा मरतबा करेंगे, 30 बटा 12 को भी इसी तरह काट के देखेंगे क्या होगा, ए बटा बी 30 बटा 12। यहाँ से भी देखिए कितना होगा, 5 अगर हम काटेंगे, 6 पचे 30, 6 दूना 12, यहाँ भी कितना आ रहा है, 5/2, देखिए सेम आ रहा 5/2। तो इसी तरह बाकी में भी करेंगे तो वहीं आएगा। ठीक है, फिर अगर हम करेंगे ए बटा बी, तो ये हो जाएगा 45/18, ये भी काटे, 9 से काटे, 9 पचे 45, 9 दूना 18, एक ही बार में कट गया 5/2, सेम आ रहा है। फिर ए बटा बी करेंगे अगर, ये 250/100, 0 0 कटा, 5 से काटे, 5 पचे 25, 5 दूना 10, सेम सम में ए बटा बी का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ए और बी का, इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे ए बटा बी कितना आ रहा है, 5/2, सब में, हर केस में,
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी ये ए बटा बी जो है सब में सेम आ रहा है, यानी क्या है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ही इसका वैल्यू फिक्स है, हर बार में सेम आ रहा मतलब ही फिक्स है, यानी ये क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ए बटा बी अगर कांस्टेंट हो जा रहा है, एक वैल्यू आ रहा है 5/2, ये तो कांस्टेंट है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए वेरिएस बी, ए वेरिएस डायरेक्टली विथ बी, यानी ए और बी में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल परिवर्तन है। ठीक है, और ये कांस्टेंट जो है, यही कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक है। ठीक है, एंड वेरिएशन कांस्टेंट, ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक हिंदी में कितना होगा, ये जो वैल्यू आया 5/2, ये दोनों आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल या चर राशि है, ये वैल्यू दिया हुआ है दोनों का। इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, लेट अस राइट इट बाई अंडरस्टैंडिंग, कहा जा रहा है कि इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे ए और बी में जैसे कोई वेरिएशन का रिलेशन है या नहीं, उसी तरह एक्स और वाई में है या नहीं, ये हमें पता करना है और उसको लिखना है। ओके, यानी डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टेबल से हम इसके एक्स और वाई के वैल्यूज़ को या मान को देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए एक्स का वैल्यू है पहले 18 है, तो वाई का वैल्यू 3 है, फिर एक्स का वैल्यू 8 है, यानी 18 से वो कम हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर वाई का वैल्यू कितना है, 3 से ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है कैसे समझेंगे, 27 को 4 से डिवाइड करें तो 4 6 24, तो यूं ही हो रहा है, यानी 6 से ये बड़ा होगा, 4 6 24, और फिर 3 और बच रहा है 27, यानी ये 6 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी 18 से एक्स का वैल्यू जब ये 18 से कम होकर 8 हो रहा है, तो फिर वाई का वैल्यू 3 से बढ़कर 6 से कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू बढ़ रहा है, फिर ये एक्स का वैल्यू जब 12 हो रहा है, 18 से कम हो जा रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है इसका वैल्यू देखिए 9/2, यानी ये 4.5 होगा, इसका वैल्यू फिर ये कम हो जा रहा है। ठीक है, यानी जब ये वैल्यू जो कम हो रहा है, तो ये वैल्यू जो है बढ़ रहा है। ठीक है, 3 से बढ़ के 4.5 हो जा रहा है, फिर 18 से 6 हो रहा है, यानी बहुत कम हो रहा है, तो ये बढ़ के बहुत ज़्यादा 9 हो जा रहा है, यानी इससे एक आइडिया हो जा रहा है कि एक्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो फिर वाई का वैल्यू कम हो रहा है, और एक्स का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो फिर वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी यहीं से हमको एक आइडिया हो गया यहाँ पे जो इनवर्स वेरिएशन या विपरीत परिवर्तन का रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दिखाने के लिए हमें एक्स और वाई का जो इनटू है प्रोडक्ट है, वो हर बार एक कांस्टेंट नंबर हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह हमने ए में किया था, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं एक्स का वैल्यू बढ़ने से वाई का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, सिंपल इस तरह लिखेंगे एज एक्स डिक्रीजेज y इंक्रीजेस, यानी x के कम होने पर y बढ़ रहा है, एंड एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, और x के कम होने पर y, x के बढ़ने पर y कम हो रहा है। ठीक है, ये लिख लेंगे, उसके बाद हम सबका इंटू एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, एक्स इंटू वाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले अलग अलग किया, तो उसी तरह हम यहाँ पे सबको इंटू करेंगे। एक्स का वैल्यू पहले 18 है, वाई का वैल्यू 3 है, तो 18 × 3 करेंगे, कितना होगा, ये 54 होगा, 18 * 54 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद करें एक्स और वाई दूसरी मरतबा में, 8 होगा एक्स, और वाई कितना होगा, 27/4, यहाँ से भी देखें तो 4 × 8 होगा, 2 27 × 54। ठीक है, इसी तरह ये दोनों भी कर लेते हैं, इसी तरफ कर लेते हैं, एक से 12 और वाई है 9/2, तो 2 6 12 6 9 54, ये भी 54 आ गया। फिर ये करेंगे एक्स वाई, तो एक से 6 और वाई है 9, 6 9 54,
तो हर बार देखिए एक्स वाई को इंटू करने से कितना आ रहा है, 54 ही आ रहा है, 54, यानी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रहा है, एक फिक्स वैल्यू आ रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू 54 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही कॉन्स्टेंट है, 54 ही क्या है कॉन्स्टेंट। तो जब इंटू दो वेरिएबल या चर राशि का इंटू एक कॉन्स्टेंट आ रहा है, एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, तो फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स और वाई किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है, यानी विपरीत परिवर्तन में है। इसलिए हम लिखेंगे एक्स वेरीज 1/y, ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। थैंक यू।